कितने अंडे की बनने लगी है भाई? साहब ये 100 से ऊपर ले रहे हैं अभी, 120 के लमसम। हाँ इतना लोग मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहे, आपको ज्यादा पूछ रहे हैं। ऐसा क्या? और अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं से मिल जाए तो ये सोच लेना कि उदयपुर से यही है। भाई आपको जैसे पता है कि मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ और उदयपुर में आया हूँ, उदयपुर में आया हूँ एक एग किंग से मिलवाने के लिए। क्या बनवाएंगे, क्या खाएंगे, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ। भैया क्या हाल है आपके? अरे बहुत ही बढ़िया साहब, आप बताइए आपके कैसे? बढ़िया बढ़िया। सेलिब्रिटी बने हुए आप उदयपुर के? अरे साहब लोगों ने बनाए हैं, मतलब इतना लोग मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहे, आपको ज्यादा पूछ रहे हैं। ऐसा क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये लोगों को प्रेम है, बड़े प्यार से खिलाते हैं और लोग प्यार से आते हैं और अच्छी चीज़ खिलाते हैं तो अच्छी बातें होती है सब। क्या बात है जी, जब ये क्या बना रहे हो? बॉयल अंडे की भुर्जी यही है। बॉयल अंडे की भुर्जी? हाँ। और अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं से मिल जाए तो ये सोच लेना कि उदयपुर से यही है, जहाँ जो जैबिया ने 2000 से पहले शुरू की थी। अच्छा ये बात है? हाँ। क्या बात है जी, ये इन्हीं का ही है फॉर्मूला, इन्होंने बनाई थी, शुरुआत इन्होंने की थी। पूरे इंडिया की गारंटी है? पूरे इंडिया गारंटी, शुरुआत इसमें जनाऊ क्या क्या मैं क्या बताऊँ, इन्वेस्टमेंट हमने सारे इसी हम लोगों ने किया है। तो ये अपनी दुकान कब स्टार्ट हुई थी ये बता दीजिए? ये दुकान मेरे फादर ने स्टार्ट की थी 84 में। अच्छा 84 में स्टार्ट की थी? हाँ फादर साहब ने। 86-87 के बीच में मैं फादर साहब के साथ यहाँ गया, मैं उसमें सिर्फ 13 वर्ष का हुआ करता था। अच्छा तो उस टाइम तो एक ही आइटम बिकती होगी? हाँ उस समय ऑमलेट होते हैं, बॉयल्ड होते हैं, कुछ चीज़ें थी जो नॉर्मल जो बिकती है सारे शहर में वो बिकती थी। फिर हम लोग जुड़ते गए, भाई आ गया, फिर भाई के बच्चे आ गए, आज हम लोग इस मुकाम पे कि रेस्टोरेंट हम लोग हिंदुस्तान में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के माध्यम से। आज पूरे इंडिया में आपका नाम है? ये तो टूरिस्ट लोग जो आते हैं उदयपुर के अंदर जो खाते हैं बस वो कहते हैं कि जय भी हमारे शहर में भी आ जाओ आप लोग। अच्छा तो ये बन रही है जी भुर्जी, अंडे की भुर्जी। भाई आपने बड़ी जगह खाई होगी बट ये भुर्जी कुछ अलग सी बनने लगी है, बॉयल अंडे की भुर्जी। और इसका नज़ारा चेक करो, ये कितने अंडे की बनने लगी है भाई? साहब ये 100 से ऊपर ले रहे हैं अभी, 100 से 120 के लमसम। हाँ भाई साहब 120 अंडे की तकरीबन बन रही है अभी, ये एक डिपार्टमेंट और अंडा लाट हो रहेगा। ये तो अभी तक, ये तो अभी हाफ है, 70 अंडे हैं। हाँ तो भाई अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, वो कटिंग हो रही है, वो देखो वहाँ और वहाँ से आ रही है, देखो वहाँ कटिंग हो रही है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये भाई लगे हुए हैं दो कटिंग करने में, भाई तीन लोग लगे रहते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। और ये कटिंग करते हैं धागे से, ये दो तीन बंदे हैं जो छिलते भी हैं और कटिंग भी करते हैं। अच्छा क्या बात है जी। और ये देखो मास्टर शेफ में भी आए हुए हैं भैया। भाई तवे का माहौल चेक करो, बड़ा गड्ढेदार है। ये देखो प्याज के बाद उबले हुए अंडे आ गए, अब आ गई है जी हरी मिर्ची। भैया अपने पास कितनी वैरायटी होती है टोटल? टोटल से कहने को तो बहुत सी हो सकती है, मगर हमने मिनिमम 50 वैरायटी डाल रखी है जो रनिंग में 20-22 रनिंग में जो चलती है। अच्छा मोस्ट पॉपुलर आइटम कौन सी है आपकी? सबसे पॉपुलर ऑमलेट है बॉयल एग भुर्जी, सेकंड नंबर तंदूरी यही है, तंदूरी ऑमलेट आता है, फिर एक बंच आता है ग्रेवी ऑमलेट आता है, एग नाइस आता है, चॉपसी आता है, कुछ वन टू ऑमलेट हमने नाम कुछ अजीब से रख रखे हैं सारी चीज़ों। क्या बात है, तो भाई गजब सा माहौल है इस दुकान का, गजब से ऑमलेट बनते हैं। एक तरह का मेन कोर्स है, रोटी भी खा सकते हैं इसके साथ। कई जने ऐसे भी होते हैं जो हम लोग 100 रुपये की भुर्जी देते हैं उसके साथ इसको 8 स्लाइस ब्रेड के भी देते हैं। अच्छा फिर एक बार 6 ब्रेड और मंगा के 10 रुपीज़ की 110 में आदमी का काम खत्म हो जाता है कई लोगों का, और रात का खाना हो जाता है इनका। तो भाई 110 रुपये में पूरा पेट भर जाता है। हाँ तो भाई सुबह खा लो तो सुबह का काम सेट है, और शाम को खा लो शाम का काम सेट है। हाँ रात को खा लो रात का काम सेट है। हमारे राजस्थान के पास में ही गुजरात पड़ता है, कई गुजरात के लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि राउंड लगाने और अंडा खाने आ जाए भी आपके यहाँ, वापस शाम को निकल रहे हैं हम लोग। क्या बात है जी, भाई घूमने आते हैं गुजरात से भाई राजस्थान के अंदर आ जाते हैं अंडा खाने के लिए और वापसी रात को वापसी निकल जाते हैं, मतलब गेड़ी मारने आ जाते हैं पंजाबी में जिसको कहते हैं, गेड़ी मारने आ जाते हैं। हाँ। राजस्थान आ जाते हैं घूमते घुमाते गुजरात से, बॉर्डर पार कर देते हैं, बॉर्डर पार करके आ जाते हैं। काफ़ी कितने ऐसे हिम्मत नगर हमारे पास में है, अहमदाबाद हमारे पास में, पिछवाड़ा पास में, ऐसे आप देखते इतनी पब्लिक है कौन कहाँ से है, मुझे कुछ जो नहीं पता चलता वो जो मुझे बताते हैं मैं आपको बता दूँ। क्या बात है जी, तो ये देखो जी चेक करो माहौल, गर्मा गर्म माहौल, गर्मा गर्म तवा सजा हुआ है। ये देखो ये बन रही है जी मेन कोर्स,
अंडे की मेन कोर्स भाई, आप जगह जगह जाके खाते होगी अंडे की करी, बट ये है ना, ये मतलब घोटाला ही है, इसको तो नहीं कहते घोटाला? नहीं नहीं, ये घोटाला नहीं, ये एक भुर्जी है जिसका नाम हमने प्योर बॉयल अंडे की भुर्जी नाम दिया है। अच्छा, ये जो आसपास के क्षेत्र जो 100-200 में दूर जो छोटे छोटे शहरों में लगा हुआ है, हाँ हाँ, वहाँ भी लोग बेचते हैं, कुछ लाड़ी रेड़ी वाले ना देख के जाते हैं, उन्होंने लिख रखा है उदयपुर की फेमस बॉयल भुर्जी यहाँ भी मिलती है। क्या बात है, मतलब भाई पूरे राजस्थान में कहीं आपको रेडी पे नजर लिखा हुआ आ जाए ना कि उदयपुर की फेमस भुर्जी यहाँ पे मिलती है, वो भुर्जी यही है, यही है, यहाँ से शुरू हुई है, यही से शुरू हुई है। इसके मतलब शुरुआत हमने की, हम लोग जब बनाते थे कुछ सॉसेज वॉसेज डालते थे, लोग कहते थे अरे यार ये क्या है, जब खिलाया लोगों को, जब लोगों को अच्छा लगा, रिव्यू लिए, आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि आप एक बार कैमरा घुमाएंगे, ये शाम के 6 बजे हैं, उससे पहले इस प्रकार के 5-6 होंगे थे, ये 5वीं शाम के 6 बजे ये दुकान रुकेगी 11 तक, इधर देखो, और वो तवा रनिंग में चलेगा, ये भर के रखे हुए ऑलरेडी, क्योंकि शाम के टाइम ना मतलब 6-7 बजे के बाद ना यहाँ पे इतना रश लग जाता है भाई, इसका कहना नहीं है। ये तंदूरी ऑमलेट है, बॉयल भुर्जी जो हम बताए नाम, ये अजीब से नाम हम लोगों ने रखे, अब लोग नाम से बना रहे हैं, हमको और अच्छा लगता है कि किसी को रोजगार मिल रहा है। क्या बात है, देखो जी अभी इसके अंदर मसाले ऐसे जाएंगे, इसकी रंगत जो होगी ना मटन को फील करती है, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये खा लिया ना आपने, अंडे खाने भूल जाओगे आप। भैया ये पैकेज लेना तो कहाँ आना पड़ेगा, ये खाना तो कहाँ आना पड़ेगा? ये उदयपुर राजस्थान के अंदर, हाँ जी, ये उदयपुर शहर है जिसको चेटक सर्कल चौराहे कहते हैं, एक चौराहे के जस्ट अपोजिट एक मॉल है, उसके सामने हम लोग सेवा में खड़े हुए हैं। क्या बात है, कितने बजे से कितने बजे तक मिलते हो आप? मैं ये दुकान 12 बजे से लेके दिन को और रात को 11 तक हम लोग आपकी सेवा में यही खड़े हुए हैं। क्या बात है, ठीक है, तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन दे दूंगा। अब मेरी प्लेट लग चुकी है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कैसा जायका। ये देखो जी, ये तैयार हो गया, ये चेक करो, ये देखो अब ये लॉट खाली हो रहा है, ये मत सोचना कि इतना ही है, इसके बाद दोबारा एक लॉट लगेगा, क्यों भाई पक्की बात है ना। क्या बात है, ये देखो पूरी ब्रेड है, पूरी ब्रेड ली है भाई साहब, 20 रुपये की ब्रेड और 90 रुपये की, 110 रुपये का पूरा पैकेज है भाई, पेड फुल पैकेज। ये देखो, और ब्रेड भी ना यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ब्रेड होती हैं, ये देखो मैं एक ही बाइट बनाऊँगा, हैवी ड्यूटी बनेगी बट थोड़ी, बट पता क्या होता है, इस ब्रेड की एक बाइट बनाओ तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तोड़ो तो काफ़ी छोटी हो जाती है, पर मैं इसको ना एक ही बाइट में खाऊंगा। ये देखो, तवा चिकन फेल है इसके आगे, उदयपुर में कभी भी आओ एक ब्रेड ये ले लेना, एक पैकेज ये ले लेना, पूरा पैकेज ले लेना, 110 रुपये में मिलेगा, एंड करा देगा एंड। ये देखो ऐसे बनेगी बाइट, ये देखो कोई चटनी नहीं, कोई प्याज नहीं, ब्रेड और भुर्जी दोनों चीज़ मिलेंगी, मज़ा आ जाएगा। एक बार खा लोगे ना दिल से आवाज़ निकलेगी, पाजी को याद जरूर करोगे, एक बार ही कहोगे थैंक यू मज़ा आ गया, तो मैं भी आपको याद करूँगा, आप कमेंट करना जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, लोकेशन भैया ने समझा दी है, मैं वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।